तक 7 दिन की भागवत कथा विराम हो गई। 8वें दिन भंडारा चल रहा था, हजारों गांव के लोग खा पी के जा रहे थे। तो सेठ जी ने पूछा, भैया हमारे यहाँ सब कुशल तो है? लोगों ने कहा, तुम भी कुछ हुए सेठ जी, कभी कुत्ते को कौर और भिखारी को भीख नहीं दिया, तुम्हारे घर पर बहू नहीं आई है? बोले तो? बोले देवी आई है, देवी, उसने भागवत कथा कराई और हजारों गांवों को निमंत्रण किया, अब सभी लोग वहां ही से प्रसाद पान करके आ रहे हैं। सेठ जी ने अपना सर पकड़ा, बोले हाय दैया जय आगे लग गई, 2000 के लोभ में बहू ने पूरी जिंदगी की कमाई भागवत कथा में कमा था। अब तो सेठ जी घर पे पहुंचे, बहू बड़ी चालाक, बहू ने 2 थालियों में भगवान का प्रसाद लगाया, भंडारे का भोजन, और अपने सास ससुर के आगे लेकर के आई, माता जी पिताजी ये भगवान भागवत का मंगल मिल प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लो। सेठ जी बोले, आंखों के सामने से हट जाओ, तुमने हमारी पूरी जिंदगी की कमाई में आग लगा दी, भगवान भागवत का प्रसाद खिलाने आई हो, आज तुम्हें हम चांद दे देंगे चांद। तो बहू ने दोनों थालियां उठाई, किचन में रख दी और बोली, पिताजी जान कब दोगे? तो ससुर बोले आज। बहू ने कहा, अच्छा तो आज तुम्हारा स्वर्गवास होगा पिताजी? बोले बिल्कुल। बहू एक छोटी सी सुई उठा के लाई और कहा, दो देखो ये सुई हम अपनी सहेली गीता की मां कर लाई थी। बोले तो? बोले हमारी सहेली का स्वर्गवास हो गया, वो भगवान के परम धाम में पहुंच गई और आज तुम्हारा भी स्वर्गवास होगा, तो लो ये सुई लिए जाना और हमारी सहेली गीता को दे देना। सेठ जी बोले बिल्कुल लाओ, जाएंगे तो लिए जाएंगे। फिर इन्होंने विचार किया कि हम अपने मुंह में सुई रख लेंगे तो भगवान के धाम तक पहुंच जाएगी। फिर सोचा गंगा पर लोग ले जाएंगे, कुल्ला बुल्ला कराएंगे, पंच स्नान करवाएंगे, सुई गंगा के जल में गिर जाएगी। फिर सोचा कि हम अपनी महा में घुसेड़ लेंगे तो भगवान के धाम तक चली जाएगी। फिर इन्होंने सोचा लोग चिता बनाएंगे, चिता पर मुझे जलाएंगे, सुई रात में दब जाएगी, रात भर के सोचते रहे, तले उनको सवेरों मरिए नहीं पाए। सुबह को बहू आई, उसने कहा, पिताजी तुम तो कह रहे थे रात में तुम्हें हम जान दे देंगे। बोले क्या बताए बहू, मैंने पूरी रात बहुत प्रयास किया लेकिन अपने साथ में मरने के बाद इतनी छोटी सी सुई नहीं ले जाता है। बहू ने कहा, तो सोचो पिताजी, ये महल, ये गाड़ी, ये बंगले, ये धन, ये सोना, ये चांदी क्या आपके साथ में जाएगा? कफन में जेब नहीं होती है पिताजी, इसीलिए देहिश तायाम परलोक मारेंगे, इस देह के साथ में मरने के बाद क्या जाता है? धर्मानुगो गच्छत जीव सा, केवल धर्म जाता है। इसलिए आइए कथा भक्तों, कथा श्रवण करने से पहले 2 मिनट अपने बाणी को पवित्र कर लो। सभी हमारी बहने, सभी भैया लोग प्रेम के साथ मीठी मीठी थालियां बजाते हुए हर संकीर्तन। और जीवन है तेरे बाले मुरलिया बाले, जीवन है तेरे बाले मुरलिया बाले, जीवन है तेरे बाले मुरलिया बाले, जीवन श्यामली सुरतिया बाले, होली सी सुरतिया बाले, श्यामली सुरतिया बाले, जय होली सी सुरतिया बाले, श्यामली सुरतिया बाले, होली सी सुरतिया बाले, होली सी सुरतिया बाले, होली सी सुरतिया बाले, और जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया।
दानदाता लोगों की सूची इस प्रकार से प्राप्त हुई है, जिसमें 11 मुद्राओं का श्रद्धा दान हमारे ऋषभ सक्सेना जी के नाम से, 21 मुद्राओं का श्रद्धा दान सुरेश सक्सेना जी के नाम से, 21 मुद्राओं का श्रद्धा दान हमारे राकेश सक्सेना जी के नाम से, और 51 मुद्राओं का श्रद्धा दान हमारे तेज बहादुर मास्टर साहब के द्वारा, वर्मा जी के द्वारा है, तो भाई बड़े श्रद्धालु भक्त है, और 21 मुद्राओं का श्रद्धा दान राम किशोर वर्मा जी के द्वारा, 51 मुद्राओं का श्रद्धा दान आशीष कुमार वर्मा जी के द्वारा परमात्मा के चरणों में समर्पण हुआ है, 11 मुद्राओं का श्रद्धा दान डिम्पल सिंह जी के नाम से, और 51 मुद्राओं का श्रद्धा दान हमारे उपेंद्र सिंह ठाकुर जी के नाम से समर्पण हुआ है। देखो उपेंद्र जी का बड़ा मृदुल स्वभाव रहा है, और ये हमारी जो पाक पुटता आप तक प्रकाश कर रही है, ये उपेंद्र जी की ही देन है। इस सबधरी गांव में देखो कई डिस्ट्रिक्टों में राम कृपा से भ्रमण हुआ है, लेकिन सबसे अधिक हमारे रजिस्टर के प्रथम प्रश्न में आपके संतरी का नाम अंकित है। अगर यहाँ श्रद्धा देखनी है तो संतरी गांव में आओ, यहाँ हमारी सभी माताएं बहने सभी भैया लोग भगवान के